तपोवन में आज से शुरू हो रहे शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस सेवा दल की बैठक रविवार शाम होटल धौलाधार में आयोजित की गई। बैठक में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सहित 15 विधायक शामिल रहे। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने बताया कि विपक्ष द्वारा इस सत्र के दौरान सरकार को भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा जाएगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और बंदरबांट जो कि सरकार ने किए हैं वे सही नहीं है। नेगी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित होकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के कई मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 100 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, वहीं 250 से अधिक दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। कानून व्यवस्था बेहाल है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी टकराव की राजनीति नहीं की, बल्कि कांग्रेस द्वारा जनहित के मुद्दों को उठाया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने चुनावों के दौरान जो वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया है। अब सरकार अपने एक साल के कार्यकाल का जश्न मनाने जा रही है, जबकि सरकार की उपलब्धियां कुछ खास नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार करीब अब साल पूरा होने जा रहा है और इस 11 महीने में पहली बार है कि मुद्दों की कोई कमी नहीं है। पूरा प्रदेश में चाहे आप महंगाई से लेकर, चाहे लॉ ऑर्डर से लेकर, चाहे जो बहुत सारे बजट में इन्होंने बहुत सारे नए स्कीमें शुरू करने की बात की थी, उन मुद्दों को लेकर जो है कल विधानसभा में हमारी चर्चा रहेगी। मुख्य रूप से कौन सा मुद्दा रहेगा जिस पे चर्चा रहेगी? मुख्य रूप से बहुत सारे हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का है। आप जानते हैं कि 100 से ज्यादा जो है अभी हिमाचल प्रदेश में जो है मौतें हुई 11 महीने में, 250 से ज्यादा रेप के केस हुए हैं। और इसके साथ में अभी सरकार जो है हर फ्रंट पे जो है हर तरह से नाकामयाब है, उन मुद्दों को लेकर हम जो है चर्चा करेंगे। सरकार जो 11 महीने का जो कार्यकाल कैसा देखते हैं उसको? इस 11 महीने के कार्यकाल में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, राम राज्य की बात करते थे, परंतु इन 11 महीने में कोई भी विकास नहीं हुआ है, सारा विकास ठप हुआ है और चंद जो है मुख्यमंत्री और मंत्री अपने इलाके तक ही सीमित होकर रह गए। समान विकास की बात नहीं हो रही है और जो थोड़ा बहुत बजट है उसका भी बंदर बांटी कर रहे हैं। जश्न और अभी जश्न मनाने की बात कर रहे हैं 11 महीने के अंदर। जश्न किस बात की मना रहे हैं? क्योंकि अभी तक कोई काम हुआ ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर 100 से ज्यादा जो है लोगों की क्या कहते हैं यहाँ पर मौतें हुई है, 250 के करीब रेप हुए हैं, सारा इलाका जो है यहाँ पर सड़कों की हालत ठीक नहीं है, महंगाई चरम पर है और बेरोजगारी है, तो इसमें जश्न मनाने की क्या बात है? अगर कोई अच्छा काम किया हो तो जश्न मनाए, परंतु 11 महीने में तो कोई काम ऐसा हुआ नहीं जिसको जश्न में के रूप में मनाया जाए। सर, चार्जशीट भी कांग्रेस जो है भाजपा के खिलाफ लाने की बातें कर रही है, तो क्या कुछ और किन किन के खिलाफ ये चार्जशीट लाई जा रही है? किसको? अभी तो चार्जशीट कमेटी की बैठकें हो रही है, लोगों से बहुत सारे हमें जो है फीडबैक भी मिल रहा है, तो हम अभी डाटा इकट्ठा करके उसको पूरा बंगाल कर उसके बाद एक चार्जशीट के रूप में उसको आगे गवर्नर को पेश करेंगे। सर, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस चार्जशीट लाएगी तो जो भाजपा है वो कांग्रेस की जो चार्जशीट तैयार की गई है उसके ऊपर भी उसको भी देख लेंगे आप? ये तो ब्लैकमेल करने वाली बात है, धमकाने वाली बात है। तो चार्जशीट इनके पास पड़ी हुई है, 11 महीने में इन्होंने क्या पग उठाया है, उठाए किसने रोका है, पर ये हमें धमकाएंगे कि भैया अगर हम कोई इनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के सबूत आ रहे हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं अगर उसको हम रोकने के लिए जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ जो है एक्शन लेंगे। इसका मतलब ये जो है एक धमकाने वाली राजनीति करने पर उतारू हो गए, जो कि लोकतंत्र में जो है बिल्कुल गलत बात है। थैंक यू। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कुछ सदस्यों की गैर मौजूदगी पर पत्रकारों से बातचीत में किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की महारैली में वे शामिल हैं, जहां प्रदेश कांग्रेस से कुछ सदस्य गए हैं। उन्होंने बताया कि वे कल शाम तक यहां पहुंच जाएंगे।